डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रदीप कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज हम गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेसन के फोर्थ पार्ट में उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इस लेसन में कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, जैसे एज फास्ट एज, एज लाउड एज बिग एज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये तुलना वाले शब्द होते हैं, हम किसी से तुलना करते हैं, हम किसी के साथ बराबरी करते हैं, उसलिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, कंपेयरिंग वर्ड्स होते हैं ये। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर जो है उनको भगवान, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वी लव सचिन तेंदुलकर एज मच एज गॉड। जितना कि हम भगवान को लव करते हैं उतना हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए उसमें लव करते हैं। तो एज मच एज मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं उसके बराबर कि हाँ इतना उसके बराबर है। तो इसी प्रकार कुछ सेंटेंस हम आज करेंगे और आपको उन्हें करना भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। The giant farmer's voice as loud as bellowing trumpet. The giant farmer's voice was as loud as bellowing trumpet. जो giant महाकाय विशालकाय प्राणी था उसकी voice एक बहुत ज्यादा कर्कश, बहुत ज्यादा गर्जना वाली आवाज थी। तो अब हम बात करते हैं, चिंघाड़ने वाली आवाज थी, जैसे जोर से कुछ चिंघाड़ता है उतनी उस जैसी आवाज थी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब हम निम्न अब जो सेंटेंस है उनको करते हैं, लेकिन उसके लिए हम इस बॉक्स में से कुछ वर्ड्स लेंगे। जैसे एज डैश एज अ फीदर, तो फीदर होता है पंख, पंख होता है हल्का, तो लाइट एज फीदर आ जाएगा इसमें। एज डैश एज अ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस क्या होता है बच्चों, बहुत स्लो चलने वाला एनिमल, जो कछुआ होता है वो बहुत स्लो चलता है, तो इसमें आ जाएगा एज स्लो एज ये आ जाएगा इसमें। नंबर थ्री पे एज डैश एज हनी, हनी क्या होता है बच्चों, मीठा, शहद, शहद मीठा होता है, तो इसमें स्वीट आ जाएगा, हनी स्वीट आ जाएगा। और एज डैश एज स्नो, स्नो क्या होती है, स्नो तो होती है बर्फ, और बर्फ का कलर होता है व्हाइट, तो इसमें व्हाइट आ जाएगा, एज व्हाइट एज स्नो। ओके, एज डैश एज एन ऑक्स, ऑक्स क्या होता है बच्चों, बैल, और बैल क्या होता है, बहुत ताकतवर, जो खेत में हल खींचता है वो बहुत ताकतवर होता है, स्ट्रांग, मजबूत होता है, तो स्ट्रांग आ जाएगा, एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स। अब एज डैश एज नाइट, इस ब्लैंक में क्या आएगा, नाइट कैसी होती है, नाइट होती है रात, और रात होती है काली, तो एज ब्लैक एज नाइट। एज डैश एज अ रोज, रोज होता है गुलाब, और गुलाब यहां पे हम रेड ले लेंगे, एज रेड एज रोज। ओके, एज डैश एज अ टोस्ट, एज डैश एज अ टोस्ट, टोस्ट क्या होता है बेटा, टोस्ट गर्म होता है ना, तो आ जाएगा एज वार्म एज, एज वार्म एज टोस्ट। एंड लास्ट में क्या है, एज डैश एज अ ब्रीज, ब्रीज होती है हवा का झोंका, हवा का झोंका बहुत नाजुक होता है, बहुत उसे चोट ना लगती है, तो जेंटल, एज जेंटल एज जेंटल एज अ ब्रीज। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपके कुछ सेंटेंस है कंपैरिजन वाले, और ये अब यूज द अबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस योरसेल्फ। अब जो नीचे दिए गए हैं जो ये आप स्वयं करेंगे, जैसे द, एक मैं आपके लिए करवा देता हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे। द ओल्ड मैन्स हेयर इज, द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो। Second, his feet were as cold as snow. Okay, the newspaper boy was as slow as tortoise in delivering the papers.
आई फेल्ट एज लाइट एज फीदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है। क्रिएट योर ओन कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्क वर्क इन पेयर्स। आपने इनको इस प्रकार से करना है, एज टॉल एज, कोई आप ये कंपेरिजन आप खुद करेंगे अपने सराउंडिंग में, कोई एग्जाम्पल लेकर इसके एग्जाम्पल्स आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कुछ विराम चिन्हों की, पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले फुल स्टॉप, यह किसी वाक्य के अंत में लगता है जब वाक्य पूरा होता है। नंबर दो पे कॉमास, जब कोई वाक्य में हम थोड़ा विराम देते हैं या जब हम कोई तीन या चार वस्तुओं को एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच में कॉमास लगते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कोई दुख भरी बात हो, हैरानी वाली बात हो तो उसके अंत में यह चिन्ह लगता है। क्वेश्चन मार्क, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में यह लगता है। अपोस्ट्रोफी, जब कभी कोई हम बात करते हैं किसी के बारे में, जैसे राम का, तो राम्स बुक, तो उसमें यह लगता है। यह विराम चिन्ह आप ध्यान में रखें। और अगला का डियर स्टूडेंट्स, आपने भी पंक्चुएशन मार्क्स पर वीडियो देखी, उसको ध्यान से आपने सुना होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, अपोस्ट्रोफी, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर एवर नेसेसिटी। इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखकर हम अपना नेक्स्ट जो पंक्चुएशन के लिए हमारे पास है उसको करते हैं। डियर समीर, आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की, इज अ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी। बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड एनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। आई नो यू विल लाइक हिम। वार्म रिगार्ड्स, संजू। इसका आंसर है डियर समीर, तो डी कैपिटल हो जाएगा, एस में समीर में एस कैपिटल हो जाएगा, नीचे आई कैपिटल हो जाएगा। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माय न्यूएस्ट पेट फुल स्टॉप। फ्रिस्की का एफ कैपिटल क्योंकि फर्स्ट लेटर है। फ्रिस्की इज अ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी फुल स्टॉप। बाय नेक्स्ट बी कैपिटल क्योंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का। बाय नेक्स्ट समर कॉमा ही शुड बी ओल्ड एनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स फुल स्टॉप। आई एम आई के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा लग जाएगा। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम फुल स्टॉप। आई नो यू विल लाइक हिम फुल स्टॉप। वार्म रिगार्ड्स, संजू। एस कैपिटल, रिगार्ड्स का आर कैपिटल एंड वार्म का डब्ल्यू कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यह आपके लिए वर्क एक्सरसाइज है, इसमें से आपको दो करवाए गए हैं, बाकी आपने चार स्वयं करने हैं। फर्स्ट, नेक्स्ट वेंसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो इसका आंसर है, नेक्स्ट का एन कैपिटल, वेंसडे का डब्ल्यू कैपिटल एंड कॉमा। माई सिस्टर मीता, मीता नेम है तो एन कैपिटल, इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल एंड फुल स्टॉप। एंड द सेकेंड, ओ नो द बस हैज गॉन। बच्चों, यह एक दुख भरी, दुख या हैरानी वाला सेंटेंस है कि ओह बस चली गई है, तो इसमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, फिर ओह का ओ कैपिटल, नो और एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, फिर टी कैपिटल हो जाएगा, बस हैज गॉन फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो फोर हैं ये आप स्वयं करेंगे, तो ये आपके लिए वर्कशीट है, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इसमें हम आपको बता दें कि जैसे वैन, आई वेंट फिशिंग, आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैट गोल्ड, तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, आई वेंट फिशिंग के बाद कॉमा लगेगा, आई कॉट एन ओल्ड शू यहाँ भी कॉमा लग जाएगा, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैट गोल्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। फोर्थ में शी का एस कैपिटल हो जाएगा, हैड द बेबी यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, वॉश्ड द डिशेज फुल स्टॉप सॉरी कॉमा लगेगा, शी फेड द बेबी कॉमा लगेगा, वॉश्ड द डिशेज कॉमा लगेगा, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप फुल स्टॉप यहाँ आएगा। फिफ्थ है, वाजंट टीम बॉर्न ऑन द 26th of January 1989, तो डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे रहेगा, टीम का टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि टीम नाम है तो टी कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में 1918 के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रकार जो लास्ट है उसका भी टी कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो बच्चों, आप ध्यान से इस वर्कशीट को करें और अच्छे से अपना होमवर्क करें। थैंक यू।